नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीडीपी के सवाल को किस प्रकार बनाया जाता है वो सीखने वाले हैं। सीडीपी के सवाल बनाना बहुत ही आसान होता है, केवल आपको एक समझ को विकसित करना पड़ेगा कि क्या बच्चों के लिए सही होता है और क्या गलत होता है। यानी पूरा पूरी अगर आधारित है सीडीपी तो केवल बच्चों पर ही आधारित है। इसमें सवाल में बनाने के लिए केवल बच्चे को ना सही समझना है और बाकी कुछ नहीं है। बच्चे को हमेशा जो है प्रोत्साहित करने की भावना ही देना है, हतोत्साहित नहीं करना है इस प्रकार से। यानी निगेटिव चीज़ को हमेशा जो है आपको अलग कर देना है सीडीपी में, केवल पॉजिटिव चीज़ को रखना है। सवाल किस प्रकार आपको देखिए आप बनाएंगे, दो चार सवाल अगर बनाएंगे आपको पता चल जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत होता है ग्रीन प्याजी वगैरह की जो थ्योरी होता है उसको थोड़ा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, लेकिन अधिक क्वेश्चन आपको केवल क्वेश्चन को अपने समझ के द्वारा ही आप बना सकते हैं, इस बात की गारंटी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पहला क्वेश्चन से, और किस प्रकार इसका आंसर आप खुद ढूंढ सकते हैं। आपको क्वेश्चन का आंसर ही आपको बता देगा कि हाँ ये सही होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला नंबर कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, या फिर शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में, या फिर शिक्षार्थियों की भिन्न 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 अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, या फिर चौथा नंबर ऑप्शन है कि शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो दोस्तों इसका राइट क्या ऑप्शन होगा, थ्री नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने के लिए जो है बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना जरूरी होता है शिक्षकों के लिए। चलिए अगला सवाल है दूसरा नंबर, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या है। क्या कथन है, सही हो सकता है या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, या बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, या ये सभी सही है। तो दोस्तों ये जो पक्षपात किया जा रहा है, यानी किस कैसा पक्षपात किया जा रहा है, तो लैंगिक पक्षपात किया जाता है, स्त्री और पुरुष में पक्षपात किया जा रहा है, तो ये जो दर्शा रहा है क्या लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दो नंबर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है। इरफान जो है खिलौनों को तोड़ देता है और उसको पुर्जों को देखने के लिए अलग अलग कर देता है, तो आपका क्या सोचना है, क्या करिएगा, उस पर हमेशा नजर रखेंगे या फिर उनके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे, या उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए, या इरफान को खिलौनों से कभी नहीं खेलने देंगे। तो देखिए इसमें बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना होता है, केवल प्रोत्साहित। देखिए प्रोत्साहित एक पॉजिटिव वर्ड है, यहाँ पे प्रोत्साहित मिल गया समझ जाइए कि आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक वीडियो स्पेशल हम लोग बना देंगे कि निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स को कैसे देखेंगे, और उसमें से 90% जो होता है एकदम सही ही जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है चौथा नंबर, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। ठीक है, क्रिस्टीना टीचर है, अपने कक्षा को क्या है क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। जब क्लास में आती है तो वह अपनी भ्रमण के बारे में वो चर्चा भी करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है, क्या है ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है, सीखने के लिए आकलन है, आकलन के लिए सीखना है, या फिर आकलन का सीखना है, या सीखने का आकलन है, ये आकलन से संबंधित है। तो सीखने के लिए आकलन है ना, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सीखने के लिए आकलन की प्रक्रिया यानी कोशिश कर रहा है सीखने के लिए आकलन। ठीक है, अगला सवाल है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है। प्रत्येक जो भी शिक्षार्थी है अपने में विशिष्ट है, यानी कि ऑप्शन क्या है, शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषता होती है और ना ही उनमें लक्ष्य समान होते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। तीसरा क्या होगा, एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है, या कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं को रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन हो जाएगा।
ठीक है, इसका फोर नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। छठा नंबर सवाल है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है क्या, विषय वस्तु आधारित प्रश्न। ये तो विषय वस्तु अगर आ जाए तो खत्म ही कर लीजिए, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित करना, ये भी खत्म है, यानी कि इसको भी सही नहीं मान सकते, प्रत्यक्ष प्रशिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न तो नहीं, ये भी गलत है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, नहीं वाली बात है याद रखिएगा, नहीं इस प्रकार से यह करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, है ना, नहीं वाला है तो इसमें निगेटिव, अगर जो भी क्वेश्चन पूछे उसमें नहीं को अंडरलाइन जरूर कर देना चाहिए। चलिए ऑप्शन क्या है, समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अत्यंत क्रिया अंत क्रिया करने, यानी कि यह भी आपको सही बोल रहा है, अधिक अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने, यह भी आपका पॉजिटिव है, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद कर, याद करना निगेटिव होता है, याद नहीं कराना है, इसीलिए ये आपका क्या होगा, यही आपका राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा आपका थ्री, क्योंकि नहीं करना चाहिए यानी कि ये नहीं वाला है तो आपका ये सही हो जाएगा थर्ड नंबर। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित जो है उपकरण नहीं है, रचनात्मक आकलन के लिए क्या है उचित उपकरण नहीं है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है आपका मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, दत्त कार्ड, या नहीं वाला है तो सत्र परीक्षा, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सब ठीक है, नहीं वाले क्वेश्चन पर ध्यान रखना है एकदम। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए, तो क्या ऑप्शन है, पहले ऑप्शन देख लीजिए, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के लिए संसाधन के रूप में, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, ये गलत हो जाएगा, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में, जटिल वगैरह सब गलत हो जाएगा, एकदम वर्ड देखकर आपको डिलीट कर देना, उसको खत्म कर देना है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, बाधा भी एक निगेटिव वर्ड है, इसीलिए आपका कौन सा बच जा रहा है, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। दसवां नंबर सवाल है, शिक्षार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए, ऑप्शन है सघन अभ्यास कार्य, या फिर सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के विषय में बताना, या फिर समुचित उपचारात्मक कार्य करना, तो इसका उपचारात्मक जो कार्य होता है वो राइट ऑप्शन होगा, आपका पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। चलिए सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, क्या है गहन और जटिल समाजीकरण होता है, ऑप्शन पहले देखिए, किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, या व्यक्ति के पूरे जीवन में, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो भी गहन और जटिल समाजीकरण कौन सा होता है, तो किशोरावस्था के दौरान होता है। अनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है, अनुवंशिकता को क्या माना जाता है, कौन सी सामाजिक संरचना माना जाता है, तो गौण, गतियात्मक, स्थिर, या फिर प्राथमिक, इसका स्थिर माना जाता है। चलिए पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी जन्म से लगभग 2 वर्ष तक जो पहली अवस्था जो पियाजे का सर के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, या अमूर्त तरीकों से चिंतन द्वारा, या फिर आपका भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, या इंद्रियों के प्रयोग द्वारा जो होता है, जीन पियाजे के पहली अवस्था जो होता है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा जो बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। चलिए आपने ये 14
13 क्वेश्चन के दौरान में आपने जान लिया होगा कि किस प्रकार क्वेश्चन को बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका आंसर डायरेक्टली टिक करते हैं, क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जाएगा इसके कारण। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा समझ के लिए जो है शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है, नहीं करता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन है नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना, ये राइट ऑप्शन होगा। तो इसका राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर थ्री, विद्यार्थियों को एकाकी तथ्य और प्रक्रिया को याद करने के योग बनाना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।